एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह वो अपना और अपने बेटे गब्बर का पेट पाल रही थी। कहने को तो गब्बर हट्टा कट्टा और जवान था, लेकिन वो मंद बुद्धि और मूर्ख था। बुढ़िया अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। जब काफी देर तक गब्बर नहीं लौटा तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। पता नहीं कहाँ चला गया मूर्ख गब्बर, खाने की भी चिंता नहीं रही थी, 5 मिनट कहके न जाने कहाँ चला गया। उसे क्या पता था कि उसका बेटा हमेशा की तरह कुछ पागलपंती कर रहा होगा। कोई इस घोड़े को हाथ नहीं लगाएगा, एक घोड़ा मेरा है, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। अरे ये पागल है क्या, घोड़ा समझकर गधे पर बैठा है। अरे वाह, गधे पर गधा बैठा है, पहली बार ऐसा देखा है। लड़कियां भी उसे मूर्ख बनाकर उससे अपना काम कराती थी। चिंता मत करो, मैं अकेला ही इस कुएं से सारा पानी निकाल कर तुम सबको दे दूंगा। हर कोई उसे मूर्ख बना लेता था। गब्बर की इन मूर्खताओं से बुढ़िया बहुत दुखी थी। एक दिन बुढ़िया की एक पड़ोसन ने उसे इसका हल सुझाया। उसने उसे गब्बर की शादी करने की सलाह दी। बुढ़िया ने अगले ही दिन गब्बर के लिए लड़की ढूंढनी चालू कर दी। देखिए हम गरीब है, ज्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। मुझे दहेज नहीं, बहू चाहिए भाई साहब। बेवकूफ औरत, इस जमाने में दहेज नहीं ले रही। इसे क्या पता मेरा बेटा महामूर्ख है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझ रहे थे। वो दिन भी आया जब गब्बर दुल्हा बना। अब ये घोड़ा मेरा है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा, खबरदार अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो। गब्बर की मूर्खताएं शादी में भी कायम थीं। पता नहीं उसे क्या सूझा और वो अचानक शादी से भाग गया। फिर बड़ी मुश्किल से सबने गब्बर को पकड़कर वापस लाया। जंगल का शेर हूँ मैं, धोखे से पकड़ लिया, वरना हाथ नहीं आने वाला था। फिर बड़ी सावधानी से गब्बर की शादी कराई गई। किसी तरह सब निपटा के गब्बर अपने गांव पहुंचा। बुढ़िया की भी किस्मत खुल गई, उसका काम हल्का हो गया। कुछ दिन बाद गब्बर की पत्नी अपने माता पिता से मिलने मायके चली गई। तुझे क्या हो गया रे, इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठा है। बीवी के मायके जाने से गब्बर उदास हो गया और उसकी माँ भी परेशान हो गई थी, तो उसने गब्बर से कहा कि तू कल ही ससुराल चला जा और बहू को वापस ले आ, मुझसे भी अब घर का काम नहीं होता। अरे कल नहीं, मैं आज ही चला जाता हूँ। सुन बेटे, पहली बार ससुराल जा रहा है, वहाँ सारी दुनिया तुझ पे ना हंसे, इस बात का ध्यान रखना। कैसी बात है? पहली बात, सीधा ससुराल जाना, चाहे कुछ भी हो जाए इधर उधर मुड़कर भी मत देखना। एकदम सीधा जाऊंगा, इधर उधर देखूंगा भी नहीं। और ससुराल में ज्यादा नखरे मत करना और कम बोलना, अगर कोई केले का छिलका भी खाने के लिए दे तो वो भी चुपचाप खा लेना। गब्बर खुशी खुशी ससुराल के लिए निकल पड़ा। गांव के बाहर पड़ते ही जैसे गब्बर की अक्ल गायब हो गई। कुछ पता है तुम्हें, मैं ससुराल जा रहा हूँ अपनी पत्नी से मिलने। लगता है कोई पागल है। तभी गब्बर को अपने माँ की सिख याद आ गई। अरे माँ ने कहा था सीधा जाना, इधर उधर मत देखना। अरे ये सामने कौन है मेरे रास्ते में। कोई बात नहीं, माँ ने सीधा जाने को कहा है, मैं सीधा जाऊंगा, भले ही उससे टकरा ही क्यों ना जाऊं। अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता। मैं सीधा जाऊंगा, तू हट यहाँ से। मुझसे जबान लड़ाएगा, ये ले। कितना ही क्यों ना मार लो, मैं सीधा ही जाऊंगा। अरे ये तो अजीब बेवकूफ है। सीधा चलने के चक्कर में गब्बर पहाड़ पर चढ़ जाता है।
इस पहाड़ को चीर दूंगा लेकिन सीधा चलूंगा। फिर सीधे चलते चलते उसके रास्ते में एक नदी आ गई और वो पागल नदी में चला जाता है। ठंडा है, ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। नदी नाले पार करते हुए गब्बर आखिरकार अपने ससुराल पहुंच गया। अरे ये तो अपने जमाई है। गब्बर घर की ओर जा ही रहा था तभी एक कुत्ता उसकी ओर लपका। गब्बर कुत्ते से बचने के लिए जोर से भागा। आज लगता है ये मेरी जान लेके ही मानेगा। बेटा घबराना मत, हम आ रहे हैं। गब्बर कुत्ते से बचने के लिए भाग रहा था तभी दो लोग गब्बर को बचाने के लिए दौड़े और कुत्ते को भगाया। कुत्ते के चक्कर में गब्बर की ओर से सबका ध्यान हट गया। अरे वो लड़का कहाँ चला गया? मैंने उसे इसी पेड़ के नीचे देखा था। जान बची, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे ओ रहा छोरा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। कमाल है, सीधा पेड़ पर चढ़ गया। अरे मैं तुम लोगों को मेरी मदद करते हुए देख के ये सोच रहा था कि तुम लोगों के दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। ए मेरा जमाई है। लेकिन है बड़ा डरपोक। तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं कुत्ते से डरा नहीं था, डरने का नाटक कर रहा था। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था। क्या परीक्षा? हाँ, मैं देखना चाहता था कि ससुराल वाले मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हैं या नहीं। कितना बहादुर है मेरा दामाद, मैं तो बेकार में ही इसे पागल समझ रहा था। और फिर गब्बर बड़े अकड़ते हुए अपने ससुराल पहुंचा। हे भगवान, बस इस बार बचा लो, अगली बार से पक्का पढ़ के आऊंगा। बिल्कुल नहीं। अरे अरे ये कैसी आवाज थी जो आसमान से आ रही थी? छोड़ो, मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, अगली बार से पढ़ लूंगा, इस बार पास कर दो। बिल्कुल नहीं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? लगता है आकाशवाणी है। पप्पू, क्या तूने कुछ सुना? आसमान से आवाज आ रही थी। कलवा पागलों जैसे बातें मत कर, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। लगता है मैं सच में पागल हो गया हूँ। भला आसमान से आवाज आती है क्या? पप्पू, तेरे पास एक्स्ट्रा पेन है क्या? नहीं है यार बंटी। देखना, एकाध पेन होगा तेरे पास। बंटी कहा ना, नहीं है यार। कलवा, पेन है क्या तेरे पास? हाँ है ना। तो एक्स्ट्रा पेन भी होगा, मुझे एक पेन देना। एक्स्ट्रा पेन? मेरे पास तो पिछले जन्म से एक ही पेन है। टकले, तेरे पास कोई पेन है क्या? मेरे पास दो पेन है, पर फिर भी मैं तुझे दूंगा नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम में मेरा पेन खराब हो गया तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। सुनो ना सब, क्या किसी के पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? अरे सब कहाँ गए? बबली बबली, ये लो मेरा पेन। नहीं बबली, मेरा पेन लो। मेरे पास जितने पेन है वो सब ले लो। नहीं बबली, मेरा पेन ले लो। मेरे पास पेन नहीं होगा तो भी चलेगा। पर फिर तुम कैसे लिखोगे? मेरे पास पेन नहीं हुआ तो क्या हुआ? बबली, तेरे लिए तो मैं अपना पूरा पेपर खून से लिख दूंगा। छोड़ूंगा नहीं। एले एले, खून से पेपर लिखेगा, मैं मदद करता हूँ तेरे खून निकालने में। एले ओए हो,
कर रहा है। सब बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाओ। अरे वाह, आज तो खुले आम नकल करूंगा, नकल करूंगा, मैं भी नकल करूंगा। तो बच्चों, आप सबके सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका है। लिखना चालू करने से पहले आप सबको एक बात बता दूं। आज हमारे स्कूल में आपके एग्जाम लेने के लिए एक स्पेशल टीचर आने वाले हैं। अब ये कौन सी नई बला है? तो स्वागत कीजिए गब्बर सर का। तूफानी गब्बर आ गया। अभी अभी अमेरिका से जो बाइडन और बराक ओबामा के बच्चों को पढ़ा कर लौटा हूँ। क्या सच में? हाँ। अरे ये पागल गब्बर यहाँ क्या कर रहा है? तो इन नादान बालकों की एग्जाम लेनी है। हाँ। सब बच्चे ध्यान से सुनो, अगर किसी ने नकल मारी तो मैं उसे बंदूक से उड़ा दूंगा। कुछ भी कहता है। हाँ सही कहा, भला ऐसे कोई गोली मारता है क्या? लगता है मुझे हल्के में ले रहे हैं। आ जाओ रे अंदर। अरे ये हो क्या रहा है? इसने तो सच में बंदूक लाई है। चिंता मत करो, इसमें असली बुलेट नहीं है। हाँ मैं समझ गया, इसमें पानी है, ये तो पिचकारी है। इसमें पानी नहीं बल्कि रबर बुलेट्स है। क्या? हाँ। तो ठीक है, अब लिखना चालू करो। मुझे क्यों मारा? मैंने तो अब तक कुछ किया ही नहीं, अब तक तो मैंने नकल भी नहीं की। मतलब तू नकल करेगा? मुझे पता था तू नकल करेगा, इसलिए पहले ही मारा। मेरे पास वक्त नहीं है बार बार तेरे पास आकर तुझे मारने को। क्या? ये तो पूरा पागल है। अब इसे क्या हुआ? मुझे पता चल गया है, इस साल में पास नहीं हो पाऊंगा, अगले साल आता हूँ। पप्पू पांचवे का दिखा दे यार, मेरा एक भी नहीं हुआ, कुछ तो दिखा दे यार। बंटी तुझे जितना आता है उतना कर, लास्ट में मैं तुझे सब दिखा दूंगा। हाँ ठीक है। पप्पू तूने तीसरे का आंसर लिखा है, मैंने देखा था, मुझे बताना उसका आंसर क्या है। तीसरे का आंसर है 102। क्या? 102। क्या? अरे 102। क्या? 102। 102। 102। क्या कमाल हो गया। अरे 102, 102, 102। क्या? 102 कह रहा है वो, 102। अरे इन्हें भी सुनाई दिया, लेकिन इस बहरे कलवा को नहीं सुनाई दिया। पप्पू उसकी नकल करने में मदद कर रहा था ना? नहीं सर नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो बहुत मासूम हूँ। हाँ सर, ये पप्पू बड़ा मासूम है, ये तो नकल मार ही नहीं सकता। क्या सच में? हाँ सर। अगर अगली बार नकल की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए टकले, पांचवे का आंसर बताना। बंटी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे मेरा पेपर करने दो। बताना यार बताना। जरूर बताता यार, पर हुआ ही नहीं है मेरा। सुनो ना, क्या तुमने पांचवे का आंसर लिखा है? हाँ हाँ लिखा है, मेरा पूरा पेपर हुआ है, अभी दिखाता हूँ। मुझे ठीक से दिख नहीं रहा। ऐसा करो तुम अपनी आंसर शीट मुझे दे दो, मैं जल्दी से लिख कर तुम्हें वापस दे दूंगी। अच्छा ठीक है ये लो। ए हो क्या रहा है, तेरे पास दो आंसर शीट कैसे आई?
सरजी सरजी हवा से उड़कर पीछे उसके बेंच पर चली गई। क्या सच में? हाँ। अरे ओ लड़की, सच सच बता, क्या बात है? चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन बबली कभी सर के सामने मेरा नाम नहीं लेगी। सर जी, इस टकले ने मुझे कहा कि मेरे भी आंसर शीट पे जवाब लिखो, वरना एग्जाम के बाद बहुत मारूंगा। क्या कहा? हाँ, क्या मैं झूठ बोल सकती हूँ? नहीं नहीं, ये झूठे झूठे सर, नहीं ये झूठे। मेरी क्लास में लड़कियों पे अन्याय नहीं होगा। सर जी, आप बंटी से पूछिए क्या सच है। कमीने टकले, मैंने आंसर पूछा तो ना कह दिया, और बबली ने पूछा तो आंसर चिट्ठी उसे दे दी। अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। सर जी, बबली सच कह रही है, ये टकला बड़ा कमीना है। क्या? सबूत है, गवाह है, टकले तू गुनहगार है, चलाओ गोली इस पे। लड़की के चक्कर में फंस गया। अरे वाह, मैं तो बच गई। अरे बंटी, वहाँ क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो कहते हैं ना, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। एग्जाम पास आए, दिल घबराए, टीचर ने न जाने कैसा पेपर बनाए। अब तो मेरा पेन रुक रुक के चलता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। हेलो, गाना गाने आया है क्या? बंटी, अब हमें अपने चिट्स निकालने चाहिए। हाँ ठीक है, पकड़े मत जाना, अब तक जिस तरह से नकल कर रहे हैं उसी तरह नकल करना। पता था, मुझे पहले से ही पता था, जल्दी बता कहाँ है चिट्स? चिट्स? कैसे कैसे चिट्स? तुमने अभी अभी कहा था चिट्स, मैंने सुना है। सर जी, मैंने कहा कि मैं शक्तिमान हूँ, तो क्या मैं शक्तिमान हूँ? ठीक है, मतलब तुम लोग नकल नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं सर। हाँ बिल्कुल नहीं। पप्पू तू बता, सच क्या है? मुझे नहीं पता सर। सच बता। नहीं सर, सच में नहीं पता। नहीं पता? हाँ सर। ठीक है, तो खाओ गर्लफ्रेंड की कसम। क्या? हाँ। नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सर, नहीं सर ऐसा मत कीजिए। जल्दी से गर्लफ्रेंड की कसम खाओ, जल्दी करो। बंटी कलवा, मुझे माफ करना यार, गर्लफ्रेंड की झूठी शपथ नहीं खा सकता। सर जी, कलवा ने अपनी चिट्स अपने जूते में छुपाई है, और बंटी ने अपनी चिट्स उसकी टोपी में छुपाई है, और तोर इन्होंने अपने शरीर पर भी लिख के लाया है। क्या? अब इनकी खैर नहीं, चलाओ गोली। बच्चों, आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा। बिल्लू, अब तू क्यों खड़ा हो गया? मुझे पता था आप मुझे ही खड़ा करोगे, इसलिए पहले ही खड़ा हो गया। ठीक है, अब खड़ा हो गया है तो कोई कविता सुना। मेरी कविता का नाम है ब्यूटी पार्लर। हमने धूप समझी और छाया निकली, हमने गाय समझी और भैंस निकली। बेड़ा गर्क हो इन ब्यूटी पार्लरों का, हमने तो उसे लड़की समझा था, लेकिन वो तो लड़की की माँ निकली। चुप हो जाओ सब। अब इसे क्या हो गया? ए ऐसे क्यों क्लास के बीच में चल रहा है? सर जी, इसे नींद में चलने की आदत है। और आपके लेक्चर से तो कोई भी सो जाए। बच्चों, पढ़ाई पर दोगे ध्यान तो बनोगे महान, वीडियो गेम खेलकर तुम सिर्फ बनोगे सदा नादान। सॉरी सर, आप हमें ज्यादा ना समझाइए, पढ़े लिखो ने क्या उखाड़ लिया, आप जरा बताइए। पढ़े लिखे तो पहुँच गए चांद, छू रहे हैं आसमान। बेटा तुम अनपढ़ रहोगे तो चलाओगे थैला और बेचोगे पान। अरे वाह वाह वाह, सर भी किसी से कम नहीं। पान खाकर तो हम पढ़ाई के टेंशन को करेंगे दूर, डिग्रिया वालों को भी हम देख रहे हैं बनते हुए मजदूर। लगता है बिल्लू भी बाजी मार रहा है। मजदूरी करे वही जिसने तुम्हारे सम्मान की है पढ़ाई, योग्यता ना पाई,
सो गुड लक ने ले ली उनसे प्रिया विदाई। अरे ये तो बिल्लू के मुंह पर तमाचा था। सर जी गुड लक तो होवे अपना अपना, अपने तो सपने सुहाने सुंदर और सपनों में सपना। सपना देखने का मतलब बाद में राम नाम जपना, अनपढ़ रहोगे बच्चों तो साथ भी नहीं देगा तुम्हारा अपना। साथ में मेरे मेरी गर्लफ्रेंड है जो बनेगी जीवन साथी मेरी, इंटेलिजेंट है जो आप पक्की है, फिर जरूरत क्या है मेरी। ए मुकाबला तो मजेदार होता जा रहा है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में तेरी लुटिया डूबेगी पक्का, अनपढ़ बॉयफ्रेंड को आज भी गर्लफ्रेंड पिछवाड़े पे मारती है धक्का। लड़की एक नहीं चार है हम पे फिदा, अगर एक ने छोड़ा तो दूसरी हो जाएगी हमसे शादीशुदा। लड़की है कोई ट्रेन नहीं जो दूजी चली आएगी, सब देख तुम्हारा स्टेटस, खुद ही तुम्हारे पैर को धक्का मार के चली जाएगी। सर जी डराना बंद करो, मत स्टेटस खराब करो, आप टीचर हो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। है ध्यान मेरा पढ़ाने पर, किंतु धर्म मेरा साथ में तुम्हें समझाना भी। तुम हो आज के अध्ययन स्टूडेंट, मुश्किल टीचर को समझा पाना, इसलिए मैंने कराटे जाकर सीखा है लात घुसा। क्या बिल्लू अब तुम्हारी खैर नहीं। एले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? आसमान जितना नीला है, सूरजमुखी जितना पीला है, पानी जितना गीला है, यहाँ किसी का स्क्रू उतना ही ढीला है। कलवा तूने क्या कहा, मेरा स्क्रू ढीला है मेरा? अरे सर मैंने यहाँ किसी का स्क्रू ढीला है कहा, आपका स्क्रू ढीला है नहीं कहा। और यहाँ मैं ही हूँ ना, तुझे अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना है भी या नहीं? अरे सर आपकी बातों ने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मुझे बचपन से ही पढ़ाई करने का शौक था। अरे वाह कलवा, अरे वाह, फिर क्या हुआ तुम्हारे शौक का? सर जी बचपन खत्म तो शौक भी खत्म। छोड़ूंगा नहीं, अब तुम्हारी खैर नहीं। याले, याले, याले। बिल्लू पढ़ाई कर पढ़ाई, क्या मोबाइल में घुसा रहता है? मोबाइल में नहीं घुस रहा डैड, पबजी खेल रहा हूँ। हाँ हाँ पढ़ाई छोड़कर खूब खेलो पबजी, फिर नौकरी ना मिले तो बेचना सब्जी। बेटा पबजी छोड़ पढ़ाई कर पढ़ाई। हाथ से निकलता जा रहा है ये गधा। गधा सुनने से डर नहीं लगता डैड, पबजी ना खेल पाने वाले शब्द सुनने से लगता है। गधा कहीं का सुनती हो, लगता है इसका झाड़ फूक करना पड़ेगा, अब कोई जादू ही करना पड़ेगा इसकी पबजी छुड़ाने के लिए। अरे डैड मोम भी जादू करती है पता है, ब्यूटी पार्लर में एक चेहरा लेकर जाती है और बाहर कोई और चेहरा ही लेकर आती है। देखो किसी बातें कर रहा है, कुछ तो कहो उसे। बिल्लो बकवास बंद कर। पर वैसे बिल्लू बकवास नहीं कर रहा, सही तो कह रहा है। तुम ब्यूटी पार्लर में एक चेहरा लेके जाती हो और वापस आती हो तो कोई और ही चेहरा बन गया होता है तुम्हारा। क्या कहा? अरे रे आदमी अपने घर में सिर्फ दो कारणों से ही खुश रह सकता है, एक तो बीवी नई नई हो या तो बीवी ही नहीं हो। रुक अभी बताती हूँ। बिल्लू मोबाइल टेबल पे रख, रख नीचे मोबाइल वरना मोबाइल चला दूंगा। अरे पापा आप जानते भी हो पबजी क्या है? हाँ हाँ पता है पबजी क्या है, नशा है नशा, बहुत भयंकर, तारू से भी भयंकर नशा। कल जब भविष्य में तेरी शादी करनी होगी तो हम क्या कहेंगे लड़की वालों को, अगर वो पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, क्या थोबड़ा दिखाएंगे हम? अरे मॉम फिर आप उनसे कहना कि बेटा प्लेन में घूमता है, लोगों से लड़ता है और रात को चिकन डिनर करता है।
मतलब? बेरोजगार हूँ, पबजी खेलता हूँ। बिल्लो मोबाइल नीचे रख, अब से तेरी पबजी बंद, रख नीचे मोबाइल। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब ऐसे एक साथ बैठे हैं तो। वैसे पापा क्या आप कभी गेम ही नहीं खेलते थे? ना हम टिकटॉक वाले थे, ना हम पबजी वाले थे, हम तो लूडो वाले थे। बैन कर देते तो भी बाजार से खरीद लाते। हाँ हाँ ठीक है, जाओ आप सोने के लिए चले जाओ, हम भी सोने के लिए जा रहे हैं। मोबाइल दो और चले जाओ सोने। गधा कहेगा, जा सोने। घर में पबजी नहीं खेल सकता तो क्या हुआ, अब तो बाथरूम में ही पबजी खेलनी पड़ेगी। डैड डैड मुझे बाथरूम जाना है। तो जाना, यहाँ आकर क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? अरे पापा बाथरूम में अंधेरा है, लाइट का बटन चालू करने तक तो मोबाइल दे दीजिए। बटन चालू करूंगा और मोबाइल बंद करके हॉल में रखूंगा और मैं बाथरूम को चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, पर सिर्फ टॉर्च ही लगाना, गेम मत खेलना। हाँ पापा हाँ, अब मैं सुधर गया हूँ। अब मस्त में बाथरूम में पबजी खेलूंगा। एक घंटा हो गया, बिल्लू अभी भी बाथरूम में ही है, अभी देखता हूँ, पक्का पबजी खेल रहा होगा, छोड़ूंगा नहीं।